फांसी पर झूली न विवाहित लड़की। भारत सरकार जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर समाज में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश के नरसापुर जिले में आज फिर एक बेटी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामला नरसापुर जिले का ग्राम रानी पिडरी का है। उनकी मम्मी जी ने कहा कि लड़की को ले आओ बहू को, तो ये लेके गए, बोली मम्मी जी ने बुलाया है, तो हमने कहा ठीक ले जाओ, आप लेके आए आप ले जाओ। और यहाँ शाम को 5 बजे यहाँ से लेके गए जी, 6 बजे घर पहुँचे 6:30 बजे, और रात को ये हादसा हो गया। कहाँ का मामला है? रानी पड़ रही में ससुराल थी। हाँ, चटोरा रानी पड़ रही में इन लोगों ने फांसी लगा के टांग दिया। ससुराल वालों ने फांसी? हाँ, ससुराल वालों ने जो ससुर ने पति ने और साथ में इन्होंने। क्या कोई विवाद भी हुआ था पहले इससे? पहले इसके पहले विवाद उनके साथ लड़ती थी, गुरुवार की पिटती थी, सब कुछ होता था। और लड़की की आँख बताती नहीं थी, एक दिन उसने अपनी मम्मी से बताया, वही हमको परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, ऐसे ऐसा इन लोगों ने किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र पटेल। पिता है लड़की? जी, मैं लड़की के पिता हूँ। तो सुना है लड़की को बच्चा भी था? हाँ, 6 महीने का गर्भ था उसके, उसमें पेट में। अभी हमारे यहाँ एक मृत्यु सूचना आई है, नवविवाहिता महिला है, रेखा पति गणेश लोही, उम्र 22 वर्ष, निवासी रानी पिंडरी की है। इसका महिला का मायका ग्राम उमरिया का है। आज सुबह इसके लड़की के पिता धर्मेंद्र लोधी द्वारा थाने आकर सूचना दी गई कि लड़की की फांसी लगने से मृत्यु बताई गई है। तो मृत्यु सूचना पर हमारे द्वारा मर्ग कायम किया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण स्वतः भी किया गया है और FSL अधिकारी द्वारा भी किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला फांसी लगाकर आत्महत्या परिलक्षित होता है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। और चूँकि मृतिका नवविवाहिता है तो इसकी अग्रिम जाँच जो है हमारे SDOP साहब करेंगे, और जैसे भी साक्ष्य आएंगे उस अनुरूप इस पर कार्रवाई की जाएगी।